So, in this part, में हम basically ये पढ़ रहे होंगे कि इस chapter में जो हमने पढ़ना start किया था, that is magnetic effects of current, उसका exactly उल्टा अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? What are the current effects of magnetism? ऐसा हम कुछ समझ लें, ठीक है? What are the electrical effects of current, of magnetism? Magnetic field से जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या जनरेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फिनोमिना क्या जनरेट किए जा सकते हैं, अगर किए जा सकते हैं तो कैसे, ठीक है? इस फिनोमिना को जो नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन शॉर्ट इसको EMI बोल दिया जाता है, ठीक है? शॉर्ट में हम इसे EMI बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन। ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम है इस इफेक्ट का, बिल्कुल वही हम करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इंड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैग्नेटिक इफेक्ट से इंड्यूस किए गए हो, उनका जो इनिशिएशन है वो मैग्नेटिक इफेक्ट से आ रहा हो, ठीक है? नाउ हम अगर एक सिंपल सा सेटअप ले, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम एक मैग्नेट लाए, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाए। अब अगर हम ऐसा करें, हम एक कंप्लीट सर्किट बनाए, हम ऐसा करें, हम एक वायर को कनेक्ट कर दें इस तरह से कुछ, और इसमें हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, ठीक है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है ये बात हम बता चुके हैं, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करंट एंड टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, बट इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? मतलब जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, गैल्वेनोमीटर की नीडल उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम एक काम करें, हम सिंपली इसके सामने एक मैग्नेट रख दें, ठीक है? हम इसके सामने एक मैग्नेट रख देते हैं सिंपली, ठीक है? इस तरह से हम सिंपली इसके सामने मैग्नेट रख दें। देन व्हाट वी विल सी, हम क्या देखेंगे, दैट यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फिनोमेना, कोई इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है? हम यहां पर देखेंगे देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, That is no electric current, no deflection, no electric current. ठीक है, अब इसके बाद जो है, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज करें, हल्का सा जो है चेंज करें हमारे प्रोसीजर में, हम क्या करते हैं, हम इस मैग्नेट को ऐसा करते हैं कि इस लूप के पास लेकर जाते हैं, हम इस मैग्नेट को मूव करते हुए इस लूप के पास लेकर जाते हैं, ठीक है? व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर हम ध्यान से सोचें कि मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो रही थी इलेक्ट्रिक करंट से, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, तो वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते। भाई हर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड तब जनरेट होती है
जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सिमिलर वे में सोचते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा चेंज करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम क्यों ना इस मैग्नेट को मूव कराएं जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तो हमने ये चेंज किया, लूप वैसा का वैसा ही, गैल्वेनोमीटर वहीं लगा रखा है हमने, ठीक है। अगेन ये चीज हम 3D में बता रहे हैं, लूप ऐसा रखा हुआ है, लूप इस तरह से रखा हुआ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ, और इस तरह से हम मैग्नेट पास में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहां पर इस मैग्नेट को, इस मैग्नेट को हम लूप की तरफ तेजी से मूव करवाते हैं। हम मैग्नेट को एकदम ऐसे तेजी से इस लूप की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। हम वही मैग्नेट लेते हैं पर उसको स्टेशनरी रखने के बजाय तेजी से लूप की तरफ लेकर जाते हैं और लूप में से क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से मूव कर रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वैसे ही अब यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। पहले यहां पर कुछ और थी, ये मैग्नेट जब आगे आ गया तो कुछ और हो गई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर चेंज होने लग गई, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स चेंजिंग। जैसे ही हम ये प्रोसीजर करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, व्हाट वी सी इज देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में होता है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट व्हाट वी सी इज सिंपली दैट देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हम कुछ एक डायरेक्शन मान लें कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ठीक है। दैट मींस जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में अगर हमें इधर की तरफ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है इसका मतलब करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। मैं मैग्नेट की तरफ से अगर देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। कैसे हमें पता चल रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, या हम सिंपली जो कर सकते हैं, हम यहां पर एक बल्ब लगा दे, ठीक है। हमने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब अगर चमक गया इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, ठीक है। बट बल्ब लगाने से हमें डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, डायरेक्शन हमें तभी पता चलेगी जब हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, ठीक है। सो व्हाट वी सी, यहां पर हमारा कंक्लूजन क्या है, दैट इफ इफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द लूप देन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। इफ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द लूप If magnet is moved towards the loop, an electric current starts flowing in the circuit. Starts flowing in the circuit. ठीक है, जैसे ही हम मैग्नेट को लूप की तरफ मूव करते हैं विल एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट,
और ये इलेक्ट्रिक करंट हम डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं, हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है यहां पे। दैट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना, इसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हम अगर डिफाइन करें एग्जैक्टली क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हम बोल सकते हैं दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is developed in a circuit, when electric current is developed in a circuit due to changing magnetic field, due to a changing magnetic field, when an electric current is developed in a circuit due to a changing magnetic field, the phenomena is called electromagnetic induction. The phenomena is called electromagnetic induction. The developed current is called induced current. The developed current is called induced current. ठीक है, the developed current is called induced electric current. ठीक है, इंड्यूस क्यों हम बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड क्यों बोल रहे हैं, ये किसी बैटरी से डेवलप नहीं हुआ है, ये करंट किसी बैटरी से नहीं आया है, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड ने इंड्यूस करवाया है। ठीक है, इंड्यूस करवाना मतलब किसी दूसरे मेथड से, ठीक है, बिना डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में आए, बिना उससे किसी तरह से रिलेटेड वो इलेक्ट्रिक करंट वहां पर डेवलप हुआ है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, हम अलग अलग तरह के चेंजेस करते हैं हमेशा। ठीक है, सो हम यहां पर क्या चेंजेस कर सकते हैं उस चीज को देखते हैं, समझते हैं। हम इस मैग्नेट को उल्टा करके इस लूप के पास ला सकते हैं। ठीक है, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पोल्स। हम अभी नॉर्थ पोल इसके पास ला रहे थे, हम साउथ पोल इसके पास लेके आने लगे। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्थ पोल की जगह पर साउथ पोल लेकर आए, एज सून एज वी डू दिस, जैसे ही हम ये चीज करेंगे, हम ये देखेंगे दैट the deflection becomes in opposite direction. जो deflection है वो opposite direction में होने लगता है।
ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज चेंज्ड. The direction of current has changed. तो हम यहां पर जो ऑब्जर्वेशन बताएंगे, जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, दैट इज ऑन चेंजिंग द पोल्स, ऑन चेंजिंग द पोल फेसिंग द लूप, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स रिवर्स्ड. पहले अगर वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था तो अब वो क्लॉकवाइज फ्लो होने लग जाएगा. ठीक है, सो ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाता है. ठीक है, जैसे ही हम पोल चेंज करेंगे, पोल फेसिंग द लूप, जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज हो जाती है. हम दूसरा एक चेंज कर सकते हैं, हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम मैग्नेट को लूप के पास लाने के बजाय हम मैग्नेट को लूप से तेजी से दूर लेकर जाएं, हम मैग्नेट को तेजी से लूप से दूर लेकर जाएं. ठीक है, तब क्या होता है देखते हैं. ठीक है, इसी वाले केस में हम एक दूसरा वेरिएशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. मैग्नेट वैसा ही रखा, लूप वैसा का वैसा ही रखा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं, पास लाने के बजाय हम दूर लेकर जा रहे हैं. देन अगेन व्हाट विल ऑब्जर्व इज, हम क्या देखेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन है इसका डायरेक्शन फिर से ऑपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो फिर से ऑपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, नाउ और यहां पर क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, और इस सेटअप में क्या चेंजेस कर सकते हैं हम, इस वाले केस पे भी ये चीज कर सकते हैं, नॉर्थ पोल को उल्टा कर दें, सॉरी हम साउथ पोल को इधर ही रखें लेकिन हम पास लाने के बजाय दूर ले जाए, तो फिर से हमें यही देखने को मिलेगा. ठीक है, कि जो डिफ्लेक्शन है वो इधर से ऐसा चेंज हो जाएगा. ठीक है, हम इस मैग्नेट को दूर ले जाए, यही चेंज देखने को मिलेगा हमें. फिर से एक और वेरिएशन जो हम कर सकते हैं, एक और वेरिएशन जो यहां पर किया जा सकता है, हम मैग्नेट को मूव ना करें, हम ऐसा करें कि हम उस लूप को मैग्नेट के पास ला रहे हैं. ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि उस मैग्नेट की को लूप के पास लाने की बजाय हम लूप को मैग्नेट के पास ले जाते हैं. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस लूप को मैग्नेट के पास ले जा रहे हैं, रादर देन ब्रिंगिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप, हम इस लूप को ही मैग्नेट के पास ले जा रहे हैं. हम अब यहां पर क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे यहां पे, वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है. ठीक है, बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, हम लूप को मैग्नेट के पास लेकर आते हैं,
तो भी हमें बिल्कुल सेम इसी तरह का कंक्लूजन दिखता है, हमें उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सो यहां से हम एक बात जो समझ सकते हैं, जो कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मैग्नेट को लूप के पास लेके आओ या लूप को मैग्नेट के पास लेके आओ, दोनों इक्विवेलेंट है, हम दोनों चीज कर सकते हैं। विच एवर इज कन्वीनियंट टू अस, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट है हम वो करेंगे, ठीक है। अगर हम मैग्नेट को लूप में पास लूप के पास लाना कन्वीनियंट समझते हैं तो हम वो करेंगे, लूप को अगर मूव करना आसान है तो हम लूप को मूव करेंगे। नाउ होता यही है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशंस वेयर वी सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेटअप, इस फिनोमेना का एप्लीकेशन हम जहां पर भी देखते हैं, हम ये देखते हैं दैट मूविंग द मैग्नेट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स। मैग्नेट्स जो है बहुत बड़े बड़े हेवी यूज मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज हमें जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो काफी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेट्स जो है वो जनरली बहुत हेवी होते हैं, उनको मूव करना पॉसिबल नहीं होता है, एंड ऑलवेज इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस मूविंग द कॉइल इज मोर सिंपलर, कॉइल को मूव करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। इसीलिए हम इस पॉइंट को यहां पर लेकर आए हैं कि हम जरूरी नहीं है मैग्नेट को ही मूव करें, हम कॉइल को भी पास में लेकर आ सकते हैं। मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज करने से हमने बता दिया क्या हो रहा है, मैग्नेट की डायरेक्शन अगर हमने रिवर्स कर दी तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, पास में ला रहे हैं तो जो डायरेक्शन है करंट की दूर ले जाने पर उसके ऑपोजिट होगी। ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं इस सेटअप पर, इस सेटअप के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने पर, ठीक है। नाउ नाउ इस चीज के एप्लीकेशंस क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, और दूसरी बात हम यहां पर जो डायरेक्शन बता रहे हैं ये करंट की, इसको हम गेस करें, हम कैसे बताएं कि ये डायरेक्शन जो है करंट की ये क्या होगी, ठीक है, उस बात को समझते हैं। हाँ फाइन, सो हम ये अब देखना चाहते हैं दैट हाउ कैन वी यूज दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना के यूज क्या क्या होते हैं, देन इस फिनोमेना में ये जो हम करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, कहां किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, वो कैसे पता करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन जैसा हम पहले एक केस ले चुके हैं, हम एक सिंगल लूप लेने के बजाय अगर एक कॉइल ले ले, ठीक है, अगर एक सोलेनॉइड ले ले, ठीक है, अगर हम एक सिंगल लूप लेने की बजाय एक सोलेनॉइड ले लें, कॉइल ले लें जिसमें मल्टीपल टर्न्स हो, ढेर सारे टर्न्स हो, ठीक है, और फिर हम वही फिनोमेना दोहराएं, वापस से वही फिनोमेना हम वही एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम फिर से यहां पर यह चीज देखेंगे कि डिफ्लेक्शन इस सर्किट में इस गैल्वेनोमीटर में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है।
हमें इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, बट हमें बेनिफिट क्या होगा अगर हम यहां पर एक एमीटर लगाकर उस करंट को मेजर भी करें, कैलकुलेट भी करें साथ ही साथ, तो हम ये देखेंगे दैट दिस इंड्यूस्ड करंट, दिस करंट डेवलप्ड इन द सर्किट विल बी मच ग्रेटर देन द करंट इंड्यूस्ड इन अ सिंगल लूप. इस केस में जो करंट हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी मच ग्रेटर देन द करंट इंड्यूस्ड इन अ सिंगल लूप. ठीक है, और हम ये देखेंगे कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा हमें करंट देखने को मिलेगा. सो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच दिस इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स. किन फैक्टर्स पर ये इंड्यूस्ड करंट डिपेंड कर रहा है? ठीक है, सो यहां पर जो फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, जो काफी ऑब्वियस फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, जो भी चीजें यहां पर इन्वॉल्व हैं, वो किसी ना किसी तरह से इस फिनोमेना को इन्फ्लुएंस जरूर कर रही होंगी. यहां पर हमने बताया एक मैग्नेट हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इंड्यूस्ड करंट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. The strength of magnetic field. Stronger the magnetic field, more will be the induced current. Stronger the magnetic field, more will be the induced current. ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप, दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो जैसा हमने यहां पर अभी बताया, जितनी ज्यादा कॉइल्स में लूप्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स और द नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, जितने ज्यादा टर्न्स जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा. ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लूप्स / टर्न्स इन द कॉइल. ठीक है, तीसरा रिलेशनशिप जो हम देखेंगे, तीसरा डिपेंडेंस जो हम देखेंगे, इट विल बी ऑन हाउ फास्ट वी ब्रिंग दिस मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप और लूप टुवर्ड्स द मैग्नेट. जितना तेजी से हम वो मैग्नेट या लूप एक दूसरे की तरफ लाएंगे उतना ज्यादा इंड्यूस करंट बढ़ेगा.
ठीक है, द स्पीड विद विच द मैग्नेट और कॉइल इज मूव्ड, द स्पीड विद विच द मैग्नेट और कॉइल इज मूव्ड, फास्टर द स्पीड या मोर इज द स्पीड, मोर विल बी द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तीनों ही फैक्टर्स में, यहां पर जो तीनों ही फैक्टर्स हम बता रहे हैं, इन ऑल द फैक्टर्स, तीनों ही फैक्टर्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है। जितने ज्यादा लूप उतने ज्यादा उतना ज्यादा इंड्यूस करंट, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा इंड्यूस करंट, जितनी ज्यादा स्पीड जिससे हम ये लेकर आ रहे हैं उतना ज्यादा इंड्यूस करंट। ठीक है, सो इन सारे फैक्टर्स पर, इन सारे फैक्टर्स पर जो है इंड्यूस करंट डिपेंड करेगा, इंड्यूस करंट जो है वो इस तरह से वेरी करेगा। देयर इज वन मोर फैक्टर, यहां पर एक फैक्टर और होता है विच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द फैक्टर विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस आर्टिकल, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर। उसमें लास्ट में हमने एक फैक्टर लिखा था, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। कुछ उसी तरह का यहां पर एक फैक्टर बनता है, दिस इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और कॉइल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस पर भी ये इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी हम एग्जैक्टली सेम एक नोट लिखते हैं, दैट बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, बाय एक्सपेरिमेंट्स इट इज नोन दैट द इंड्यूस्ड करंट इज मैक्सिमम व्हेन दीज टू आर परपेंडिकुलर और एट राइट एंगल्स। द इंड्यूस्ड करंट इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल। ठीक है, इसको हम इस लेवल पर प्रूव नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली ही हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन किया गया है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट इज मैक्सिमम when they are at right angles, or we can say when they are perpendicular. Induced current is maximum when they are perpendicular, or we can say at right angles. Now, जैसा हमने कहा था, हम ये direction समझना चाहेंगे कि exactly ये direction decide कैसे हो रही है। ठीक है, ये जो direction हम बता रहे हैं induced current की,
ये कैसे डिसाइड हो रही है इसको हम समझना चाहेंगे। इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहां पर फिर से एक रूल बनाते हैं, एक रूल हमारे पास होता है जिससे हम इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगेन दिस रूल विल बी लिमिटेड ओनली टू दिस स्पेशल केस, इस स्पेशल केस तक ही वो रूल लिमिटेड होगा। दैट मींस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल, ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये फिर से उसी केस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नाउ अगेन हम यहां पर जो केस लेंगे, हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट और एनी अदर मेथड, ठीक है, एक सोलेनोइड के थ्रू, किसी भी तरह से हम पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना चाहेंगे और उसमें कंडक्टर को, एक लूप को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे। ठीक है, और इस तरह से मूव करने पर हम ये चीज देखेंगे कि हम इस रूल को यूज करके, बाय यूजिंग दिस रूल विल बी एबल टू टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस रूल को फिर से हम जो नाम देते हैं, इट इज अगेन बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के ही नाम पर ये रूल है। अब जो रूल है उसको हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, पहले जो था वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। ठीक है, नाउ इस रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके क्या स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप विल बी सेम जैसा लेफ्ट हैंड रूल में था, स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को हम इस तरह से स्ट्रेच कर दें कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देन इफ द फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, इफ द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मिडल फिंगर जो है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें देगी। ठीक है, सो स्टेप्स हम लिखते हैं और कौन सी फिंगर क्या बता रही है वो देखते हैं। पहली स्टेप तो वही है, स्ट्रेच द फिंगर एंड थंब such that they are mutually perpendicular, बिल्कुल वैसी ही जैसी लेफ्ट हैंड रूल में थी, स्ट्रेच योर इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब such that they are mutually perpendicular। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड जो हमें स्टेप लगानी है, यूज करनी है, पॉइंट द इंडेक्स फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट द इंडेक्स फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। And the thumb in the direction of
and the thumb in the direction of motion of conductor. And the thumb in the direction of motion of conductor. Then the middle finger gives the direction of induced current. Then the middle finger gives the direction of induced current. ठीक है, इसका डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, तीन एक्सेस फिर से हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, तीन एक्सेस बताएंगे। ठीक है, इस तरह से तीन एक्सेस अगर हम बताएंगे तो यहां पर अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बाय इंडेक्स फिंगर। एक्स एक्सिस को अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय थंब। देन द जेड एक्सिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, denoted by middle finger. जो middle finger से बताई जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखें इस चीज को कैसे यहां पर Fleming's right hand rule लग रहा है। The direction of मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ थंब अगर इस डायरेक्शन में है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरह से बाहर की तरफ हमें मिलेगा। जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमें इस तरह से बाहर की तरफ आता हुआ मिलेगा। ठीक है, कैसे इसको हम शो करेंगे, ये कैसे होता है, इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। ठीक है, यही जो हमने बनाया है इसी को हम डायग्राम में कैसे समझेंगे उसको ध्यान से देखो। सपोज बिल्कुल इसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, इस तरह की एक मैग्नेटिक फील्ड है एक रीजन में, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक कंडक्टर, एक
लूप रखा है इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ सब जगह पे, एक लूप हमने रखा है इस रीजन में इस तरह से, ठीक है। हमने ये लूप इस तरह से रख दिया इस रीजन में, इस लूप को हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर से सारी चीजें हम बता दें, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ध्यान से हम देखें और सोचें कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, वो किधर की तरफ होगा, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो किधर की तरफ होगा, उसको हम ध्यान से सोचें। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर की तरफ ये जो है ये मोशन की डायरेक्शन है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें इस तरह से बाहर की तरफ एक बाहर की तरफ इंड्यूस्ड करंट आता हुआ दिखेगा। जो इंड्यूस्ड करंट हमें दिखेगा वो बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। This will be the direction of induced current. इस तरह से वहां पर करंट इंड्यूस होगा और पूरे लूप में एक करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है। सो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड है, उसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं। अब जो इसका एप्लीकेशन है, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में पहले फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर ये पढ़ा, फिर उसका एक मेजर बहुत बड़ा एप्लीकेशन देखा, दैट वाज द डीसी मोटर। वैसे ही यहां पर अब हम इसका एक बहुत बड़ा, बहुत ही मेजर एप्लीकेशन देखेंगे इस फिनोमेना का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही बड़ा, बहुत मेजर एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। कहीं पर भी ये जो हमें सब जगह इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है, ये कहां से आती है, कैसे डेवलप होती है, उसके पीछे यही फिनोमिना होता है, ठीक है। हमारे घर में, हमारे चारों तरफ ये जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स में दिख रही है, ये इसी फिनोमिना से हमें देखने को मिलती है, इसी से ये डेवलप होती है, ठीक है। समवेयर Somehow we convert this magnetic and mechanical energy into electrical energy. उसको हम electrical energy में convert करते हैं किसी तरह से, वही हमें पढ़ना होगा। Next class में हम electric generator, उसका setup, उसकी working पढ़ेंगे, और वो फिर इस chapter का last article होगा, वहां पर फिर ये chapter खत्म हो जाएगा, हमारा chapter complete हो जाएगा, ठीक है। So this is all अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज का लेक्चर फिर हम यहीं पर एंड करते हैं।